मेरा नाम हमज़ा आलम है। मैं के इलेक्ट्रिक एक पावर प्लांट कोरेंगी पावर कॉम्प्लेक्स के अंदर एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट डिप्यूटेड हूँ। और मैंने यहाँ पे दो दिन की बेयरिंग डैमेज एनालिसिस के टॉपिक के ऊपर एक वर्कशॉप अटेंड की है, जो कि हमारे इंस्ट्रक्टर खुर्रम शहजाद साहब ने दी। इस वर्कशॉप के अंदर मैंने बेयरिंग के इम्पॉर्टेंट और क्रूशल डैमेज और फेलियर मोड्स के हवाले से चीज़ें सीखी। मोस्टली जो बेयरिंग्स के अंदर डैमेजेस आते हैं और फेलियर्स आ सकते हैं, जिसके अंदर फ्रेटिंग कोरोजन, फ्रैक्चर्स, फटीग, इलेक्ट्रिक कोरोजन, और इसके अलावा दूसरे जो प्रॉपर हैंडलिंग और इन सब की वजह से जो कोरोजन के और डैमेजेस आ सकते हैं बेयरिंग के ऊपर, हमने उनके बारे में सीखा। और मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हम आने वाले फर्दर डैमेजेस के बाद से बच सकते हैं, क्योंकि बेयरिंग स्पेशली कुछ ऐसे पार्ट्स में हमारे इस्तेमाल होते हैं जो कि जिनके बगैर हमारे मूविंग और डायनेमिक पार्ट्स का चलना बहुत नामुमकिन है। सो आई बिलीव कि अगर हम प्रॉपर एनालिसिस करें कि वो बेयरिंग के डैमेजेस किस तरह से हुए, तो हम आने वाले फर्दर डैमेजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि ये वर्कशॉप मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इन द फ्यूचर। थैंक यू।